दोस्तों रफ्तार का कहर कितना भारी पड़ सकता है ये हम आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम रामकोला पटोला सड़क पे दमदमदा मंदिर पेट्रोल पंप के सामने और यहाँ करीब सुबह 3 बजे के आसपास एक दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में बताया जाता है कि गिट्टी लदा ट्रक था और सामने जो आपको बस दिख रहा है इसी के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस वहां से आप जो जूम करके देखिए कि वहां जो पत्थर के निशान दिख रहे हैं बस वहां से स्टार्ट होते हुए और बस यहां करीब देखिए यहां पे आवासीय लोग यहां पे रहते हैं या आके बस रुकी है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बस थोड़ा सा और आगे बढ़ती तो मामला और क्रिटिकल हो सकता था क्योंकि इसके बीच आबादी निवास करती है। लेकिन उसके पहले आपको एक बार बस के टक्कर की तस्वीरें दिखा देते हैं। टक्कर जरा देखिएगा आप कि टक्कर कितनी भयानक हुई है कि इधर के सारे आगे का सारा जो पोर्शन है वो सारा गायब हो चुका है। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हैं, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बस तमकुही राज साइड से बारात लेकर वापस लौट रहा था और ये महाराजगंज जाने वाला था। इसमें जो बाराती थे वो महाराजगंज के लोग थे। लेकिन लगभग सुबह 3 बजे के आसपास जब दुर्घटना हुई लगभग वहां से 200 मीटर के आसपास ये गाड़ी ऐसे ही आई है और आके देखिए यहां पे आके रुक गई है। अगर इससे थोड़ा सा आगे और जा सकती थी तो हो सकता था कि इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि इसके आबादी में परिवार सोया हुआ था और परिवार में 3 से 4 बच्चे भी हैं, परिवार भी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोहरे का मौसम है तो कोहरे के मौसम में अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं या तो दोपहिया चला रहे हैं या चारपहिया, आपको नियंत्रित होकर चलाने की जरूरत है क्योंकि कोहरे का मौसम तेज है और इस बीच 0 विजिबिलिटी सामने आ रही है, तो आपको बचा के चलना है। अब दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं एक बार उनका नाम बता देता हूं आपको। रामवत 60 वर्ष उम्र है उनकी, वो ब्रिजबंग धानी बाजार के हैं। हृदयानंद उम्र 34 वर्ष, साकिन मरगई थाना कैंपियरगंज। दिलीप जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, सोहरौली थाना डुमरियागंज। सुरेपन जी जो है 60 वर्ष, साकिम भवरा बड़खड़ी थाना कैंपियरगंज गोरखपुर। महताब अली उम्र 55 वर्ष, साकिम नरकटिया थाना बासी। ये लोग घायल हो गए हैं जिनको रामकोला CHC में इलाज के लिए सर्वप्रथम ले जाया गया जिसके बाद यहां से उनको पटरौला मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। उस समय भी 1 की हालत जो गंभीर बताई जा रही है उनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि रफ्तार का कहर, कोहरे का मौसम है, कोहरे के मौसम में रफ्तार पर ब्रेक लगाने की जरूरत है क्योंकि कोहरे के मौसम में रफ्तार जो दुर्घटनाओं का स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि अनियंत्रित वाहन को चलाना। 3 बजे की घटना बताई जा रही है, 3 बजे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो चालक को झपकी आ गई हो या चालक अनियंत्रित गति से चला रहा हो, तमाम सारी बातें हैं जिसका भी पता नहीं लग सका है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात कि देखिएगा कि दुर्घटना कितनी भीषण थी कि लगभग 200 से 250 मीटर आगे चल के और बस यहाँ पे घूम के चली आई। थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ा होता, मुश्किल से 10 मीटर गाड़ी और आगे बढ़ी होती तो शायद किसी भीषण दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। वीडियो रामकोला पटोला रोड पे धर्मसमला जो धर्मसमदा पेट्रोल पंप है उसके सामने का है जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे वीडियो पे आपको क्या कुछ करना है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।